दोस्तों, सभी को सादर नमस्कार। ये जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मा विजन 2025 27 सितंबर को होने वाली है, जिसको श्री बालाजी बुक्स एंड पब्लिश डिस्ट्रीब्यूटर्स मिस्टर अमित झा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि इस समय पैंडेमिक के समय कैसे जो सभी के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ख़ास तौर से पैरामेडिकल स्टाफ में फार्मेसिस्ट के द्वारा, उसमें कई लोगों ने अपने जीवन का भी सेक्रीफाइस किया है। कुछ एक एग्जांपल एमपी वगैरह में ऐसे आए हैं और उन्होंने इस महामारी इससे निपटने के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर दिन रात डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा लगाकर काम किया है, जिससे ये प्रोफेशन और अधिक गौरवान्वित हुआ है। इस समय फार्मेसी प्रोफेशन की महत्वता और अधिक बढ़ गई है। जैसा कि मेरे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में डी फार्मा के कोर्स के लिए जो सीटें आवंटित थी, उससे 6 गुने से भी अधिक आवेदन पत्र आए हैं। तो यह कोर्स के और अधिक प्रचलित होने की एक दिशा है। फार्मेसी वैसे भी एक नोबल प्रोफेशन है और विदेशों में से आफ्टर डॉक्टर बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। हमारे भारत में भी इसकी परंपरा धीरे धीरे विकसित हो रही है। फार्मेसिस्ट काफ़ी विकास कर रहे हैं इस दिशा में। PCI और अन्य संस्थाओं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसमें कई अमेंडमेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सभी जो भी फार्मेसिस्ट हैं या टीचर्स वगैरह हैं या सेल्स में कहीं भी या फैक्ट्रीज में कहीं भी किसी भी रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वो सुचारू रूप से इस दौरान भी चलती रहें और हम अपने स्टूडेंट्स को और अधिक मोटिवेट कर सकें कि इस तरह के प्रोफेशन को वो ज्वाइन करें और अपने जीवन में इस कैरियर में प्रोन्नति करके अग्रसर हों। धन्यवाद।